IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम धीरू भाई अंबानी जिसने कर ली दुनिया मुट्ठी में। बच्चों, आज हम आपके लिए जिस आदमी की कहानी लाए हैं उसने भारत में बिजनेस की दुनिया के मायने बदल दिए। धीरू भाई अंबानी, इनका जन्म एक मोठ बनिया परिवार में आज के गुजरात राज्य में तत्कालीन जूनागढ़ में चोरवाड़ नामक स्थान पर 28 दिसंबर सन 1932 को हुआ। इनके पिता थे हीरा चंद अंबानी जो एक अध्यापक थे और इनकी माता का नाम था जमुना बेन। बचपन से ही इनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, इसलिए 12-13 वर्ष की उम्र में ही शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद इन्होंने पकौड़े का बिजनेस शुरू कर दिया। पकौड़े ले लो, पकौड़े गरम गरम पकौड़े ले लो, सभी तरह के पकौड़े मिलेंगे, पकौड़े ले लो पकौड़े। अरे बेटा, कौन कौन से पकौड़े हैं? सभी तरह के पकौड़े हैं, आलू के, प्याज के, गोभी के, मिर्ची के और पालक के भी। अच्छा, कहिए कौन कौन से दूं? भाई बड़ा तेज है तू तो, तेरी यूनिफॉर्म देखकर तो लगता है कि स्कूल में भी पढ़ता है। जी हाँ। वैसे शक्ल से तो इतना गरीब लगता तो नहीं है, जरूर कोई मुसीबत आन पड़ी होगी तुझ पर जो इतनी सी उम्र में तुझे पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? ना तो मुझ पर कोई मुसीबत आई है और ना ही मैं गरीबी की वजह से ये काम करता हूँ। जानते हैं, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। अच्छा? और हमारे घर का खर्च ठीक तरह से चल जाता है। अच्छा भाई, फिर तुम ये पकौड़े बेचने जैसा छोटा काम क्यों करते हो? साहब, पहली बात तो ये कि मेरे धंधे को छोटा मत कहिए। दूसरी बात, मैं अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा होकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। भाई वाह, क्या तेवर है, इतनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े इरादे। चलो इसी बात पर 1 किलो पकौड़े तोल दो, घर पर ले जाकर सबको खिलाऊंगा और तुम्हारे बारे में भी जरूर बताऊंगा। साथ ही ईश्वर से दुआ करूंगा कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत बड़े आदमी। ये लो अपने 1 किलो पकौड़े। लाओ बेटा लाओ, जीते रहो जीते रहो। दोस्तों, जानते हो पहाड़ जैसे बड़े इरादों वाला ये लड़का कौन था? धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। धीरू भाई के बारे में ये बात एकदम सच साबित होती है। बचपन में पकौड़ों का बिजनेस करने वाले धीरू भाई जब बड़े हुए तो वे अपने एक दोस्त के साथ यमन चले गए। वहां उन्हें एक कंपनी में काम मिल गया। धीरू भाई मेहनत से काम कर रहे थे कि एक दिन कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया। मे आई कम इन सर? वेल, कम इन कम इन, आइए। थैंक यू, बी कंफर्टेबल। थैंक यू सर। आज एक खास बात करनी है। जी कहिए सर, क्या बात है? भाई मुझे लगता है कि अब इस जगह पे तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं है। जी मैं समझा नहीं सर, क्या मेरे काम में कोई कमी है? नहीं, काम तो तुम ठीक ठीक ही कर लेते हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। देखिए सर, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगा कर करूंगा। वही तो, देखो पोर्ट ऑफ एडन पर कंपनी का नया फिल्म स्टेशन खुल गया है, तुम्हें
वहां का चार्ज संभालना है। क्या? तो ये बात है सर, मैं तो समझा था कि तुम समझे थे कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। जी, जी हाँ, वो मैं अरे भाई, कोई कंपनी इतने ईमानदार और मेहनती कर्मचारी को भला क्यों निकालेगी। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी इसी मेहनत से काम करोगे। जी, ये लो सारे पेपर्स, अब जाओ और तैयारी करो। जी, नई सुबह के साथ नई जगह पर नया काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। आई विल डू माय बेस्ट सर। कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अगेन सर। फिलिंग स्टेशन पर लगभग 2 साल काम करने के बाद धीरू भाई वापस भारत लौट आए। सन 1962 में उन्होंने 15,000 रुपए लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी खोली। ये कंपनी पॉलिएस्टर आयात करती थी और बदले में मसाले निर्यात करती थी। धीरू भाई के कदम यही नहीं रुके, उनकी मेहनत और दिमाग से कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। लेकिन ये पॉलिएस्टर क्या था? रिलायंस की जल्दी तरक्की का क्या राज था? देश के लिए ये कंपनी क्या कर रही थी? इन सभी सवालों पर रोशनी डाली उन्होंने एक इंटरव्यू में। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं रिलायंस कंपनी के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति श्री धीरू भाई अंबानी जी। धीरू भाई जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धीरू भाई जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी कंपनी ने पॉलिएस्टर कपड़े को लॉन्च किया है। जी, आखिर ये पॉलिएस्टर है क्या और इसकी खासियत क्या है? देखिए, पॉलिएस्टर पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट नामक मटेरियल से बनता है। जी, इसकी खासियत यह है कि एक तो इसमें चमक होती है जिससे ये पुराना होने पर भी नए जैसा दिखाई देता है, और दूसरे ये जल्दी फटता नहीं है। लेकिन सुनने में तो ये आया है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ये पसीना नहीं सोख पाता, और इसके अलावा ये और कपड़ों जैसे सूती आदि के मुकाबले ज्यादा तेजी से आग पकड़ता है। हाँ, ये तो है। आखिर हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन दूसरे कपड़ों के मुकाबले ये सस्ता है, टिकाऊ है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता जी। है। और मुझे लगता है कि भारतीय लोग इसे पसंद करेंगे। जी, जी। रिलायंस कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है जी। देश की तरक्की में इस कंपनी के योगदान के बारे में हमें कुछ बताइए। गुड क्वेश्चन। देखिए, भारत में बेरोजगारी मिटाने में रिलायंस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। आज देश में लाखों लोग रिलायंस की विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा रिलायंस के शेयरों द्वारा भी लाखों लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ये तो है। धीरू भाई जी, रिलायंस कंपनी ने देखिए बहुत जल्दी तरक्की की है जी। जी जी, इस इतनी जल्दी तरक्की करने का राज क्या है ये बताइए। वेरी सिंपल, इंडीड वेरी वेरी सिंपल। एक तो मैं ना सुनने का आदि नहीं हूं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी असंभव है जी। दूसरे, यदि आपको तरक्की करनी है तो हमारे सपने हमेशा विशाल होने चाहिए, और उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा रखनी चाहिए। लेकिन ये तो और भी बहुत से बड़े लोग रखते हैं। हाँ, लेकिन समय सीमा को छू लेना ही काफी नहीं है, समय सीमा को हरा देना जरूरी होता है। अच्छा, रिलायंस के भविष्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ओह, रिलायंस का भविष्य बहुत उज्जवल है जी। धीरू भाई चला जाएगा, पर रिलायंस के कर्मचारी और शेयरधारक इसे चलाते रहेंगे। रिलायंस अब एक ऐसी अवधारणा है जहां अंबानी अप्रासंगिक हो गए हैं। धीरू भाई जी, अंत में आप हमारे भारत के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए, और आपदाओं को अवसरों में बदलिए। आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत अच्छी बात कही धीरू भाई जी आपने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जी, धन्यवाद। धीरू भाई अपने सिद्धांत खुद बनाते थे
और उन पर चलकर भी दिखाते थे। उनके कदम रुके नहीं। इसी बीच 1966 में एक दिन उन्होंने अपने भतीजे विमल को बुलाया। प्रणाम चाचा जी। हाँ विमल, आओ। मुझे बुलाया? हाँ। भाई विमल, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी? हाँ, तुम तो जानते ही हो कि अहमदाबाद के नरोदा इलाके में हमने एक कपड़ा मिल स्थापित किया। जी चाचा जी। उसमें जो कपड़ा हम बना रहे हैं ना विमल, हम चाहते हैं कि उसका नाम पूरी दुनिया में हो। जी। इसके लिए हमने एक नाम सोचा है और उसका एड भी तैयार करवा लिया है। अच्छा, क्या मैं वो एड देख सकता हूँ चाचा जी? क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। यहाँ बैठो मेरे साथ में। जी जी। अच्छा, ये देखो, इस प्रोजेक्टर से सामने की दीवार पर वो एड फिल्म देखी जा सकती है। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। जी जी। चाचा जी, अरे ये तो मेरे नाम पर है। अरे चाचा जी, you are so great चाचा जी। अरे बेटा, बेटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम बच्चों के लिए ही तो है। चाचा जी, तुम देखना, बहुत जल्द भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा तुम्हारा नाम, और आदमी आदमी के बदन पर तुम्हारे नाम के ब्रांड का कपड़ा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। जल्दी ही विमल नाम सारे भारत में जाना जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, सन 1975 में रिलायंस इंडस्ट्री के कपड़े को विश्व बैंक की तकनीकी टीम ने विकसित देशों के मानकों के मुताबिक शानदार कपड़े का सर्टिफिकेट दिया। इसी तरह के नए नए मील के पत्थर स्थापित करते हुए रिलायंस कंपनी आगे बढ़ती रही। एक और खास बात ये कि ये एकमात्र निजी कंपनी थी जिसकी वार्षिक आम सभा स्टेडियम में आयोजित करनी पड़ती थी। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब आपके सामने आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के सर्वे सर्वा द वन एंड ओनली श्री धीरूभाई अंबानी। साथियों, रिलायंस की वार्षिक आम सभा में आप सबका स्वागत है। आपकी यह कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। की आम सभा किसी होटल या कम्युनिटी हॉल वगैरह में होती है, लेकिन रिलायंस की वार्षिक आम सभा स्टेडियम में करनी पड़ती है। जानते हैं क्यों? अरे भाई, हमारा परिवार ही इतना बड़ा हो गया है। आज हमारे परिवार में हजारों सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 35,000 इस समय यहां इस स्टेडियम में मौजूद है। और आप शेयर होल्डर नहीं हैं, आप सदस्य हैं रिलायंस परिवार के। इस परिवार को और बढ़ाने के लिए, फलने फूलने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बताइए, आप तैयार हैं साथ देने के लिए? मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? पूरी दुनिया के कानों में आपकी आवाज सुननी चाहिए, पता चलना चाहिए कि यह रिलायंस परिवार के सदस्यों की आवाज है। एक बार फिर से कहिए, तैयार हैं?
बिजनेस का तनाव और बढ़ती उम्र धीरू भाई पर भी अपना असर दिखाने लगी। किंतु उनका दिमाग अभी भी तेजी से काम कर रहा था। उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल बड़े हो गए थे और धीरू भाई ने कंपनी की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों को सौंप दी थी। लेकिन दोनों भाई अपने पिता धीरू भाई से उनके अनुभव का लाभ जरूर उठाते थे। ये बात है उस समय की जब रिलायंस इंडस्ट्री भारत में सेल्यूलर फोन सर्विस लॉन्च करने जा रही थी। हेलो पापा, कैसी तबीयत है अब? बस ऐसी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें कैसी? पापा आप तो जानते हैं हम रिलायंस फोन सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ जानता हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है? पापा इस समय कई बड़ी कंपनियां हैं जो पहले ही इस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं कि लोग दूसरी कंपनी को छोड़कर हमारे फोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखो एक बात ध्यान रखना, इस देश में वो ही प्रोडक्ट चलेगा जिसे आम आदमी आराम से काम में ला सके, समझ रहे हो ना? और आम आदमी को चीप एंड बेस्ट चीज से ज्यादा प्यार होता है। हा? जी पापा ये बात तो एकदम सही बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा अनिल, अब एक बात बताओ जी, कि हमारे देश में कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन क्या है? सबसे सस्ता साधन पोस्टकार्ड। यस इट्स पोस्टकार्ड। अब देखो बेटे, अगर हमारे फोन की कॉल एक पोस्टकार्ड जितनी सस्ती हो जाए तो बड़ी आसानी से हमारा फोन भारत के हर आदमी तक पहुंच जाएगा। यस पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि कॉल सस्ती होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा फोन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मुनाफा तो तब भी होगा बल्कि कहीं ज्यादा मुनाफा होगा। बस तो अब जाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में। वाह पापा, आपने तो बातों बातों में हमारे विज्ञापन का स्लोगन भी बता दिया। यस पापा। हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वाकई रिलायंस ने भारत के फोन बाजार में क्रांति ला दी। पहले फोन केवल अमीरों की जागीर था, किंतु अब आम आदमी भी हाथ में मोबाइल लेकर चलने लगा। ये रिलायंस इंडस्ट्री का उत्कर्ष था। इधर धीरू भाई का स्वास्थ्य बढ़ती उम्र के साथ साथ खराब होने लगा। June 24, 2002 को एक मेजर स्ट्रोक के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनके दाएं हाथ में लकवा हो गया। एक सप्ताह तक कोमा में रहने के बाद 6 July 2002 को 11:50 पर इस शिखर पुरुष को काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। लेकिन धीरू भाई आज भी देशवासियों के दिलों में जिंदा हैं। मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए और आपदाओं को अवसरों में बदलिए। आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। वास्तव में धीरू भाई वो शख्सियत थे जिन्होंने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। ये
अंबानी जिसने कर ली दुनिया मुट्ठी में। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं शोध डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख जयप्रकाश विलक्षण, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, राजेश आहूजा, अशोक शर्मा, प्रवीण शर्मा, किशोर सहजानी, नीरज यादव, जैमिनी कुमार और तारक। तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनि अंकन बटी लंगलिंगडॉ तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।